नैब में थाने वाला माहौल नहीं, बिला जवाब तनकीद रिवाज बन गया है। नैब में सबको एहतराम दिया जाता है, चाय भी पेश की जाती है। डीजी नैब शहजाद सलीम की अदालत के बाहर गुफ्तगू। ज़मीनी इंतखाबात में मुबैना धांधली और रिजल्ट चोरी होने का खदशा, मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली बना ली। लीगी कारकुनों को कल शाम आरओ ऑफिस एमए कॉलेज पहुंचने की हिदायत, नवाज शरीफ का रहनुमाओं और कारकुनों को पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान को लीडर करार दे दिया, कहते हैं पाकिस्तान की 50 साल तारीख में अब तक 4 लीडर ही आए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। बोले ये मेरा मौकफ है, मेरी पार्टी का मौकफ नहीं। तजावजात मिसमारी के नाम पर गरीबों से रोजगार छीना जा रहा है, हुकूमत बताए 1 करोड़ नौकरियों के वादे पर कितना अमल हुआ। बिजली गैस और सीएनजी महंगी मिल रही है, रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती अहकाम पर कायम जायजा कमीशन का अंदरून शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, कमीशन मेंबरान का वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार, शहरियों ने कमीशन के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब की मातहत अदलिया में उखाड़ पिछाड़, 40 जजेस के तकरर तबादले कर दिए गए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। और जामिया सराजिया नईमिया मुगलपुरा में बेगम कुलसुम नवाज के साले सवाब के लिए कुरान खानी, एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक, एमपीए किरण डार्स में दीगर लीगी खवातीन की शिरकत। शाइस्ता परवेज मलिक बोली, कुलसुम नवाज दलेर खातून थी, उनकी सियासी जद्दोजहद को भुलाया नहीं जा सकता।